एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां देखिए हाईवे बन रहे हैं, जहां देखिए जन कल्याण के काम हो रहे हैं। सरकारी स्कीमों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये कौन से चश्मे हैं कि राजनीति में विपक्ष को सत्ता पक्ष का कोई काम नजर ही नहीं आता। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। नहीं, चश्मा कोई नहीं है। अगर चश्मा विपक्ष के पास नहीं है तो चश्मा प्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, और जितने भी एयरपोर्ट बनाने का दावा सरकार कर रही है वहां पहले से हवाई पट्टियां थी। अयोध्या में अगर एयरपोर्ट बना, वहां के किसान सरयू नदी में चले गए पानी में खड़े होकर के, और जनेऊ पकड़ करके उन्होंने कसम खाई कि हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और आने वाली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि वोट नहीं देंगे। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब काम हुए थे, तो फिर 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव क्यों नहीं जीते आपके पार्टी, और 2014 2019 के चुनाव क्यों नहीं जीते विपक्ष की पार्टियां? 2017 का चुनाव मुझे चुनाव चिन्ह जब हमारा नॉमिनेशन हो गया तब हमें चुनाव चिन्ह मिला। 2017 का चुनाव अलग परिस्थितियों में चुनाव था, जिसकी वजह से जो मेहनत हमें करनी चाहिए थी, जिस तरीके का हमको तैयारी करनी थी, उस वजह से नहीं जीत पाए। और कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, हम लोगों को समझा रहे थे, कि देखिए वर्ल्ड क्लास हमने एक्सप्रेस वे बनाया है, हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, मेट्रो स्टेशन मेट्रो दिया लखनऊ में, मेट्रो कानपुर में दी है, मेट्रो आगरा में दी है, वाराणसी में मेट्रो बनेगी, हम समझा रहे थे। बीजेपी के लोग बहका रहे थे। चाय वाला तो देश चला रहा है, लेकिन और चाय वाला उसकी बात देश सुन रहा है। अब अखिलेश जी, चाय वालों के खिलाफ आप हैं नहीं? ये बात तो बड़ी उलझन वाली बात है। अगर वो चाय वाले तो हम दूध वाले नहीं हुए क्या? बिना दूध के चाय बना लोगे आप? ये कोई बात हुई आपकी? उन्होंने कभी चाय नहीं बनाई होगी। अभी प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी की सरकार ने अमूल का 500,000 लीटर का प्रोक्योरमेंट का बनारस में उद्घाटन किया। मुझे आप बताइए वो किसकी वजह से आया था बनारस में? अब आपका चश्मा गायब हो जाएगा। तो जनता आपकी बात है, टाइम्स नाउ नव भारत, खबरें आप तक आती रहेंगी। कौन सी वाली? बीजेपी की अंदर वाली खबरें सारी। व्यास तहखाना था जो एक गैर कानूनी तरीके से आपकी सरकार यानी मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने वहां ताले लगा दिए थे, वो गलत फैसला था। आज हाइंडसाइट में आपको लगता है कि तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में वो एक गलत स्टेप था? आप बात तो नव निर्माण की कर रहे हैं, और जा कहां रहे हैं आप? उन परिस्थितियों में क्या रिपोर्ट्स रही होंगी सरकार के सामने, क्या फैसले लेने के समय आया होगा? और मैं समझता हूं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया होगा उसी का परिणाम रहा होगा। आपको इससे ज्यादा चर्चा ये करनी चाहिए थी कि चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में हुआ, अफजल अंसारी, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे तो जब सेफी में कर रहे हैं, और यही वही काम जब वहां कर रहे हैं भगवान श्रीराम के प्रभु मंदिर में जो आर्टिस्ट आए उनको क्या कह रहे हैं लोग? क्या हम भी कहें उनके बारे में वही बात? अयोध्या और गोरखपुर में जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें वही कहूं? तो आप फिल्म के आर्टिस्ट क्यों बुलाया आपने? आप सेफी के मौसम पर कहते थे ना, तो आप क्यों बुलाने आर्टिस्टों को? क्योंकि वो शोभा होते हैं, वो आपके कार्यक्रम को गरिमा बढ़ाते हैं। आर्टिस्ट का काम है परफॉर्म करना, तो आप सेफी महोत्सव के बारे में क्या कहते थे? आप निकालिए आर्काइव से वो वीडियोस, किसके बारे में क्या नहीं कहा सेफे में? फिल्म खाए कसम, और उनको भी टिकट नहीं देगी जो परिवार वाले हैं। परिवार वाले नहीं, ये परिवारवाद और परिवार वाले अलग अलग चीजें होती हैं। और परिवारवाद हिंदी, आपको बीजेपी में परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है? आप बताइए परिवार बीजेपी में नहीं है क्या? बड़ा बड़ा परिवारवाद बीजेपी में, इतना आप गिन ही नहीं सकते इतने, क्योंकि देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई तो सबसे बड़ा परिवार है, और वो परिवार बहुत खतरनाक परिवार है, उसमें जो समाज का ताना बाना तोड़ रहा है। एक उसमें ऐसा परिवार है जो खतरनाक परिवार है, उससे देश को खतरा है। इशारों में क्यों कह रहे हैं? क्यों इशारे में कहना? जो परिवार बोला जाता है उसी परिवार के लिए बोल रहा हूं मैं। आप क्या बोलते हैं उसको? आप बताइए, परिवार बोलते हैं ना उसको? तो आप बताइए, मैं तो दिमाग से उतर गई बात, क्या नाम है उसका? प्यारी समझ गई, राय बहुत जरूरी है। आप क्या मानते हो मोदी जी की सरकार के बारे में, आपका क्या विचार है? हम क्या बताएं, जो भी हो रहा सही हो रहा है। अच्छा, क्या करते हो ये तो बताओगे? जॉब करते हैं। प्राइवेट? सरकारी? सरकारी के लिए कोशिश? कुछ नहीं, वो 10 साल हो गया अभी एक भी वैकेंसी निकली नहीं है। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, क्या ठेंगा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? जिस समय आए थे उसमें 600 रुपये 500 रुपये गैस सिलेंडर हुआ करता था, 250 रुपये सब्सिडी आता था, 70 रुपये पेट्रोल था, आज हो गया 100 रुपये। क्या बताएं, जाइए आप लोग। अरे बताओ यार। अरे क्या बताएं सर, वही तो बता रहे हैं कि जो हर एक ऐसा कोई ब्रांड नहीं है कि उसका जो एमआरपी तो बढ़ गया, उसका सामान कम हो गया, तो यही सब बातें हैं। भाजपा इस बार आएगी तो 1500 रुपये का सिलेंडर हो जाएगा, 150 रुपये पेट्रोल हो जाएगा। भाई जो खर्चा हो रहा है आपको पता है, 6 लाख करोड़ रुपये इस चुनाव में खर्चा होगा। दुनिया का सबसे महंगा चुनाव
इंडिया में होने वाला है। छह घंटी लेके घूम रहे हैं कि देखो मेरे बाबा का था हाथी और ये घंटी दिखा रहे हैं जो मेरे बाबा का था। तो ये ऐसे ऐसे मानसिकता वाले जो लोग हैं जो यहाँ पर मैं आकर के कांग्रेस की वकालत करते हैं और गठबंधन की वकालत करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 60 साल देश पर कांग्रेस ने शासन किया, क्या करा? सिर्फ ये किया, लोगों को लड़ाया, तुष्टिकरण करी। आज जो हम ये कलावा बांध के सिर्फ ऊपर करके चल रहे हैं, ये मोदी की देन है, ये 10 साल में मोदी की देन है। अरे चल चुप रहो, तुम्हारा कुछ नहीं बोल सकते, तुम कोई औकात नहीं है बोलने की, कोई औकात नहीं। आज भागता फिर है, विकास की विफलता तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि छाती चौड़ी करके कलावा बांध के घूम रहे हैं, यही तो दिक्कत है। कलावा बांध के नहीं, देश क्या है? मैं आपसे पहले 2-3 सवाल पूछ, देश क्या है आपके हिसाब से? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखो। अरे कुछ देना तो सीखो देश के लिए, तुम फर्स्ट नंबर हो। और सुन, क्या है, क्या किसे कहते हैं देश? देश उसको कहते हैं जो सब लोग यहाँ आराम से रहे। और इस देश, देश का मतलब मोदी, देश भाजपा, पहले हम, मोदी नहीं, पहले हम उसके बाद मोदी। अब मोदी है तो सब कुछ है, मुमकिन है। लागू होती है तो गांव गरीब तक योजना पहुंचती है डिजिटल के माध्यम से। पहली बार डिजिटल में इंडिया इतने आगे गया है। और धारा 370 की बात करूं, आज पहले जम्मू कश्मीर का नाम सुनने से डर लगता है, लेकिन मैं 2 दिन पहले घूम के आया हूं, खुला घूम रहा हूं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार योजनाएं हैं आराम से भारत में, एकदम लॉ एंड ऑर्डर एकदम शांतिपूर्ण है। अभी पहले बहुत सारे घोटाले, भ्रष्टाचार। सवाल था देश क्या है, देश भारत देश है, खुशहाल देश है, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, अनाज मिलना चाहिए लोगों को, जितनी योजनाएं लागू होती है घर घर तक पहुंचनी चाहिए, तब जाके देश अच्छे ढंग से चलता है। दुर्भाग्य तो यही है। सबसे पहले इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस के टाइम राजीव गांधी का एक बयान था कि मैं 1 रुपए देता हूं तो नीचे पहुंचते हैं कितने, 10 पैसे, 15 पैसे, 15 पैसे, ठीक है। ये उसी को कोट करते हैं बार बार और कहते हैं मोदी जी के शासन में पहुंच जाते हैं। देश में आधार, जिसके तहत ये डिजिटलाइजेशन चल रहा है कि योजना यहाँ से गांव तक सीधे पहुंच रही है, उसके लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी आधार है। और आधार की योजना का विरोध करने वाले मोदी जी थे, आधार लाने वाली कांग्रेस थी। UPI जो मोहल्ले मोहल्ले में ऑनलाइन तुम पेमेंट कर रहे हो, इसका जो पहला प्रीफॉर्म है उसका नाम था NPCI, लाने वाली मनमोहन सरकार है, मोदी जी ने सिर्फ उसको आगे बढ़ाया। आधार की योजना, आधार को योजनाओं से लिंक करना, ये सब कांग्रेस का विजन था। NPCI, UPI जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, ये भी कांग्रेस की योजना थी। चलो अब ये देश तो बता नहीं पाए, ठीक है। देश क्या होता है? देश होता है देश के लोगों से, ठीक, देश के रहने वाले लोगों से। और देश होने की अवधारणा कंडीशन ये है कि उसके पास अपनी जमीन का हिस्सा हो, अपना राष्ट्रीय ध्वज हो, अपने लोग हों और साथ में अपनी आर्मी हो, तब देश बनता है, ठीक। और उन देश के लोगों में विखंडन का काम जो कर रहे हैं ना, वो मोदी जी करेंगे। मोदी जी ने देश दिया, 2014 के बाद जितना विभाजन इस देश के लोगों के दिलों में पैदा हुआ है, 2014 से पहले इतनी नफरतें, इतना विभाजन देश में नहीं था, ठीक है। 2014 से पहले लोगों के बीच में, लोगों के मन में धर्म को लेके कोई मतभेद नहीं था, जो 2014 के बाद पैदा हुआ। मॉब लिंचिंग जैसी घटना, धर्म के नाम पर लोगों को मारने जैसी घटना, धर्म के नाम पर रैलियों के अंदर दंगों की घटना, ये सब मोदी की सरकार में ज़्यादा बढ़े हैं, ये एक फैक्चुअल बात है, ठीक। 2014 के बाद कम्युनल दंगे ज़्यादा बढ़े हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि खराब हुई है। भारत में जितने लोग सक्षम हैं वो देश छोड़ के जा भी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने देश छोड़ा है 2014 के बाद, ठीक है। और वो छोड़ने वाले हिंदू या मुसलमान नहीं थे, वो लोग थे जो कैपेबल थे और वो देश को असहज मान रहे थे, देश के एनवायरनमेंट के हिसाब से चले गए। हमारे पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक। लेकिन लोगों ने, ये मोदी जी की सरकार में एक कम्युनलवाद बहुत बड़ा है, बहुसंख्यकवाद बहुत बड़ा है, एक कानून आया CAA, ठीक, CAA को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अमित शाह जी ने कहा नागरिकता देने का कानून है, इस पर भ्रम फैलाया गया है, देश के अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में भ्रम फैलाया। लेकिन भ्रम फैला कौन रहा है? वही लोग हैं जो BJP से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, वही लोग हैं जो RSS से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, वही लोग हैं जो हिंदू संगठनों से जुड़े हैं कहीं ना कहीं। वो क्या कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि बेटा कागज निकाल लो, जबकि सबको मालूम है कि कागज नहीं निकालने, लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐसी रीलें वायरल हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि अब बेटा कागज निकाल लो, खुशखबरी। जब देश की नागरिकता छीनने की बात ही नहीं है किसी लोगों की, तो तुम इसमें बहम कौन फैला रहा है, भ्रम में कौन डाल रहा है? कोई मुस्लिम नेता नहीं डाल रहा, ठीक है। ये BJP के तथाकथित लोग हैं जो आगे या पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। CAA किसी